चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपके पास कोई भी एंड्रॉइड फ़ोन है और उसमें जो भी आपका डेटा है यानी इंटरनेट है और उसका डेटा का जो स्पीड होता है वो नहीं शो हो रहा है ऑटोमेटिकली, जैसे कि हमारे में देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड भी दिखा रहा है और उसका जो भी है डेटा यानी जो लिमिट है वो कितना इस्तेमाल किए हैं और कितना जो है बचा हुआ है ये नहीं शो हो रहा है। तो कैसे आप इसको इनेबल कर सकते हैं अपने फ़ोन में, और इनेबल कर देंगे तो ये होगा कि आप जितना भी इस्तेमाल करेंगे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा और कितना के स्पीड दे रहा है इंटरनेट वो भी शो होगा। तो इसको कैसे इनेबल करना है, अगर आप में इनेबल नहीं है तो कैसे करना है, और इनेबल है तो कैसे उसको ऑफ़ करना है, सारी चीज़ें जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए जानते हैं फटाफट। तो उसके लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन करना है, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देन आपको देख सकते हैं यहाँ पर देखना है कहाँ पर लिखा हुआ है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, उस पर क्लिक करना है उसी ऑप्शन पर। तो आपको देख लेना है, और कोई भी कंपनी का फ़ोन है, कोई भी ब्रांड का फ़ोन है, आपको ये ऑप्शन देखना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सेट डेटा प्लान, इस पर क्लिक करना है। इस वजह से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं, एक तो डेटा यूज नोटिफिकेशन, तो इसको ऑन करेंगे तो जो भी डेटा होगा देख सकते हैं, नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं शो हो जाएगा डेटा जो है मैंने कितना इस्तेमाल किया है, 1.26 GB, इस महीना में कितना टोटल इस्तेमाल किया है देख सकते हैं 13.16 GB। तो इस तरह से करके इसको इनेबल कर देंगे तो ये शो होगा। उसके बाद देख सकते हैं स्पीड शो नहीं हो रहा है, तो स्पीड के लिए देख सकते हैं यहाँ दिया गया है शो नेटवर्क स्पीड, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी शो होने लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पे दोनों शो हो रहा है, यहाँ पे स्पीड शो हो रहा है देख सकते हैं, और यहाँ पे इसका जितने भी डेटा बचा हुआ है और जितना इस्तेमाल किए हैं मंथली में वो यहाँ शो हो जाएगा। तो इस तरीके से करके आप दोनों को जब चाहे इसको इनेबल कर सकते हो और चालू भी कर सकते हो, यानी तो इस तरीके से आप इसको कभी भी बंद चालू कर सकते हो।